हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास फिफ्थ की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ेंगे। ओके, एक दिन की बादशाहत। तो बादशाहत क्या होती है? बादशाह जैसा अधिकार। ठीक है, तो आइए हम इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें, जब हम छोटे होते हैं तो बड़े हमसे क्या कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, तो हम क्या हो जाते हैं, अक्सर हम नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो अधिकार आपको एक दिन के लिए दे दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो ये किस में दिया है, इस पाठ के माध्यम से हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आरिफ सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती है थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, और जब बच्चे क्या करते रहते थे, सभी दोस्त एक जगह बैठकर क्या करते थे, कव्वाली गाते थे, उसी समय उनकी अम्मी उन्हें सोने के लिए कहती थी, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोर कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया, या तो फिर आपा उन्हें क्यों उठाती, आपा उन्हें उठाती कि जल्दी उठो स्कूल जाना है सुबह, और जबकि क्या करते थे, सपनों में क्या देखते थे कि आइसक्रीम खाने के सपने देखते थे। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, तो हर वक्त लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी काम करने के लिए मना किया जाता था, पाबंदी लगा दी जाती थी कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे, और सभी बच्चे बहुत परेशान थे क्योंकि वे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी आसिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। अगर आरिफ को कभी भी गाने का मन करता है, गाना गाने का मूड होता है, तो वो गाना गाने लगता है, तो उसके भाईजान क्या करते हैं, उसे डांटते कि चुप हो जाए, हर समय मेंढक की तरह गाना गाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, अगर बाहर जाते तो क्या करते हैं, अम्मी पूछती फिर बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। तो ये क्या करती, जब बच्चे घर में रहते हैं तो उन्हें बाहर भगाया जाता है कि बच्चे घर में कितना शोर कर रहे हैं, और जब बच्चे बाहर जाते तो उन्हें ये पूछा जाता है कि बाहर क्यों गए। तो ये जब बच्चे घर में रहते तो भी परेशानी, और ना रहें तो भी परेशानी। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, और इस तरह से, क्योंकि उन्हें बार बार रोका और टोका जाता था, इसलिए वो क्या करते थे, घंटों घंटों बैठकर वे बाहर निकलने की तरकीब सोचते थे। ठीक है, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो उन्होंने एक योजना बनाई, ठीक है, एक तरकीब सोची कि किसके पास ले जाएं, अब्बा के पास, मतलब दादा, कि उन्होंने क्या कहा कि एक दिन हमें सारे अधिकार, बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं, और जितने भी बड़े हैं वो सब छोटे बन जाएं, और जितने भी छोटे हैं वो बड़े बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, और उनकी माँ ने क्या कहा, कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की, आप लोग दिन भर उधम मचाते हो। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे, ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। और अब्बा मतलब दादाजी, वो बहुत खुश थे और वे मान भी गए, और उन्होंने यह भी बात कह दी कि कल आपको सारे अधिकार, बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। ठीक है, अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोर डाला। सुबह होने के लिए कुछ समय था, लेकिन आरिफ ने क्या कहा, तुरंत झिझोर कर उठा दिया, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो उन्होंने आरिफ ने क्या आवाज़ लगाई,
कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए, नाश्ता बनाइए। अम्मी ने चाहा एक झापर रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, तो अम्मी को गुस्सा आया। लेकिन उन्हें क्या लगा कि उन्हें एक झापड़ देकर सुला, लेकिन उन्हें ऐसे याद आया कि आज तो उन्हें सभी अधिकार दे जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाए मारने के लिए, और दादी ने जब उन्होंने हरीरा पीने के लिए मना किया तो दादी ने उन्हें गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो भी रुक गई। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। तो उन्होंने क्या कहा, जब नाश्ता आया तो उन्होंने कहा कि अंडे और मक्खन हमारे लिए दे दो, और दलिया और दूध और बिस्किट उन्हें बाकी लोगों के लिए दे दो। आपा ने कहा, भरी नज़रों से उन्हें घूरा, उन्हें गुस्सा हो गए थे और उन्हें गुस्सा आते हुए देखा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी, क्योंकि वे अप्पा जो भी खाती थी उनकी मनपसंद चीज़ें वे उन्हें नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, जैसे सभी खाना खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका कि अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि आपके दांत बहुत ही गंदे दिख रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी ने क्या कहा, टालना चाहा और कहा कि मैं तो ब्रश कर चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा लिया। और जैसे ही अम्मी खाना खाने वाली थी उसी समय किसने उठाया, सलीम ने तुरंत उन्हें पकड़कर उठा लिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर वह सब हंस पड़ी, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसती थी। ठीक है, तो यहाँ पर सलीम के साथ ये सब किया जाता था, लेकिन आज किसके साथ हो रहा है, अम्मी के साथ। ठीक है, फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं किए, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। और उन्हें क्या कहा कि शेव भी नहीं किए, दाढ़ी भी नहीं बनाए, बाल नहीं बनाए, कल जो कपड़े पहने थे वो भी आपने कितने मैले कर दिए, तो आपके लिए कितने कपड़े बनाए जाएं। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, और यह सुनकर अब्बा दादाजी हंस हंस कर उनका बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, और सभी क्या कर रहे थे, सभी ये दोनों, ठीक है, दोनों बच्चे आरिफ और सलीम, दोनों सभी घर के सभी लोगों की नकल उतार रहे थे, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। लेकिन जैसे उन्होंने बच्चों ने कहा कि आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, तो उन्हें क्या क्या महसूस हुआ, शर्मिंदा, ठीक है, उन्हें शर्म आने लगी। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। और जैसे कि क्या कर रहे थे उनके अब्बा, क्या कर रहे थे, गज़ल दोस्तों के साथ सभी बैठे थे वहाँ पर गज़ल गा रहे थे, तो उन्होंने आरिफ ने कहा कि बस कीजिए, आप बहुत देर से गा रहे हैं, अभी आप फौरन ऑफिस जाइए। क्योंकि ये क्यों कहा, क्योंकि आरिफ और सलीम से ये बोला जाता था। ठीक है, चुप चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, क्योंकि आरिफ ने कहा था कि आपको अभी तुरंत ऑफिस जाना है, तो उनके अब्बा कुछ बोल नहीं पाए और वे चुपचाप वहाँ से आरिफ के साथ चल दिए। ठीक है, रजिया जरा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। और उन्होंने क्या कहा कि मुझे 5 रुपये दे दो ऑफिस जाने के लिए।
5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनककर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। तो इसी तरह से उन्होंने क्या कहा कि 5 रुपये का क्या करोगे, कार में तो पेट्रोल है ही, और उनसे क्या कहा जाता था, इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो ना। थोड़ी देर बाद खान सामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, तो अम्मी ने ऑर्डर देना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, बावर्ची आए खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा बच्चों ने, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, क्योंकि अम्मी ही उन्हें बताती थी कि आज घर में क्या पकेगा। आज गुलाब जामुन गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएंगी, अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी और बोली। और अम्मी क्या करें, अम्मी ने पूछा कि मिठाई से हम रोटी कैसे खाएंगे, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। और उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि जैसे हम मिर्चों के सालन से क्या खाते हैं, रोज़ रोटी खाते हैं, उसी तरह आप मिठाइयों से रोज़ आज रोटी खाइए, ठीक है। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी, मतलब लड़ाई कर रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही थी, पिघलाए दे रही है। अब इतने में क्या कहा आरिफ ने कि दादी तो बहुत शोर कर रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा, क्योंकि दादी भी उन्हें इसी तरीके से कहती थी। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि अब्बा ने उन्हें क्या कहा था, उन्हें प्रॉमिस किया था कि आज इन्हें सभी काम करने दे दिया जाए, ठीक है। एक दिन जैसा करना चाहते हैं वैसा ही खुशी खुशी कर सकते हैं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। ये किसने कहा, भाईजान ने, ठीक है। फिर क्या कहा, भाईजान ने कहा कि शाम को फिल्म देखने जाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा आरिफ ने, खबरदार। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, मतलब उन्हें धमकी दी कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हो आप। ये कौन कहती थी, ये अब्बा या उनकी अम्मी कहती थी, ठीक है, कि आपको ये क्या करना है, फिल्म देखने नहीं जाना है क्योंकि आपके इम्तिहान मतलब एग्ज़ाम करीब आ गए हैं, तो आपको घूमने फिरने में समय बर्बाद नहीं करना है। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोच कर मुस्करा पड़े, और जैसे ही उन्हें गुस्सा आया उन्होंने हाथ मारने के लिए उठाया, पर वो कुछ सोचे और मुस्करा दिए। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्में देखने की बात पक्की कर चुके थे, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, क्योंकि उनके भाईजान ने फिल्म देखने की पूरी तैयारी कर ली थी पहले से, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हमने पूरी प्लानिंग कर दी है, हमें कृपया जाने की इजाज़त दे दो। और उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़कर उनसे इजाज़त मांगने लगे, ठीक है। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसने क्या कहा कि मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, अभी आपको नहीं जाना है। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। और आपा उनकी बहन थी, वे भी बहुत ही भारी भड़कम साड़ी पहनकर वे कहाँ जा रही थी, कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, मुआयना मतलब जांच की, ठीक है। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो आएंगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। उन्होंने क्या किया, नहीं आपको इतनी भारी साड़ी नहीं पहननी, आप इसे बदल कर सफ़ेद साड़ी पहन कर आइए।
अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। उनकी बहन आपा गुस्सा हो गई और कहने लगी, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। उन्होंने क्या कहा कि आज फंक्शन है कॉलेज में और आज रंग बिरंगे साड़ियाँ पहननी है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर नहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी, क्योंकि उनकी आपा उनकी बहन क्या करती थी कि अगर आरिफ और सलीम अच्छे कपड़े पहने रहते, मतलब अच्छी कमीज पहनते, तो उन्हें उतरवा देती थी और जो बेकार पड़े हुए शर्ट और कपड़े रहते थे उन्हें पहनने के लिए हुक्म देती थी। तो आरिफ और सलीम ने क्या किया, आज यह उनका कहा, यह उनका डायलॉग किस पे किया, किसे कहा, आपा पर, अपनी बहन पर। दूसरी सुबह हुई, उसके बाद क्या हुआ, सुबह हो गई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही सुबह हुई तो सभी लोग सो रहे थे और आपा क्या कर रहे थे, नाश्ते की मेज पर उनका नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अम्मी क्या कह रही थी कि नहीं, हर खाने के साथ एक टाइम क्या करना है, एक मीठी चीज़ ज़रूर बनाना है। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे, क्योंकि उनके भाईजान थे, क्या कर रहे थे कि चुप रहो, शांत रहो, हल्ला नहीं करना है। लेकिन क्या कहा कि जैसे आरिफ और सलीम अंदर गाना शुरू किए तो उनके भाईजान ने मेज को क्या बनाया, तबला बनाकर जोर जोर से बजाने लगे। और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। और अब्बा दादाजी क्या कह रहे थे कि स्कूल जाते समय अपने जेब में चवन्नी डाल के ले जाया करो, अगर रख भी लोगे तो क्या हर्ज होगा, मतलब क्या परेशानी होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे थे, क्योंकि एक दिन की बादशाहत में सभी लोगों ने यह जाना कि उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती थी, उन्हें करने के लिए मना किया जाता था, तो क्या कहते थे, उस दिन उनके साथ ये सब कुछ हुआ तो उन्हें पसंद नहीं आया, तो इसीलिए क्या कहा कि हमें बच्चों के पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। और दूसरे दिन से क्या क्या कहें कि मीठा बनाने के लिए कहें और चवन्नी जेब में रखने के लिए कहे, ठीक है। तो ये सब, तो बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।